हिमाचल में बनी हार्ट अटैक कैंसर समेत 23 दवाओं के सैंपल फेल। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन और स्टेट ड्रग कंट्रोलर की ओर से दवाओं के सैंपल लिए गए थे। हिमाचल प्रदेश के दोगों में बनी हार्ट अटैक, ब्लड शुगर और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों समेत कुल 23 दवाएं मानकों पर सही नहीं पाई गई है, जबकि देश भर में कुल 67 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। दवा विशेषज्ञ डॉक्टर सहयोग गुप्ता व डॉक्टर वैभवन कुमार ने हिमाचल में बन रही दवा सैंपल वार वार फेल होने पर कहा कि जो दवाइयों के सैंपल फेल होने का मतलब सीधा है कि दवाइयों को बनाने की गुणवत्ता कमजोर है। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन और स्टेट ड्रग कंट्रोलर की ओर से दवाओं के सैंपल लिए गए थे। CDSCO के 49 में से 20 और ड्रग कंट्रोलर के 18 में से 3 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। 23 में से 12 सोलन, 10 सिरमौर और एक दवा कांगड़ा जिले के दोग में बनी है। सितंबर के ड्रग अलर्ट में दवाओं के चिप्पल फेल होने का खुलासा हुआ है। राज्य ड्रग कंट्रोलर मनीष कपूर ने बताया कि जिन दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं उन्हें नोटिस जारी कर दवा बनाने का लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं, बाजार से स्टॉक वापस मंगवाने को कहा है। वहीं दवा विशेषज्ञ डॉक्टर सहयोग गुप्ता व डॉक्टर वैभवन कुमार ने हिमाचल में बन रही दवा सैंपल बार बार फेल होने पर कहा कि जो दवाइयों के सैंपल फेल होने का मतलब है कि सीधा की दवाइयों को बनाने की गुणवत्ता कमजोर है, इसलिए बार बार दवाइयों के सैंपल फेल होना मुख्य कारण है। इसका मरीजों के स्किन एलर्जी, उल्टी आना, मुंह सूखना, दस्त लगना, बुखार आना सहित इनके लक्षण आने लगते हैं और मौत भी हो सकती है। सर, ये जो हिमाचल में बार बार दवाइयाँ सैंपल फेल हो रही हैं, इनको खाने से पेशेंट के ऊपर क्या क्या साइड इफेक्ट पड़ रही है, इसके बारे में कोई जानकारी? जो हमारी दवाइयाँ सैंपल जो फेल हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि दवाई की क्वालिटी जो है वो डाउन है, या फिर उनकी एक्सपायरी का कुछ आइडिया नहीं है, वो कभी भी एक्सपायर हो जाती है। तो उसकी वजह से दो तरह की चीज़ें होती हैं, या तो जल्दी एक्सपायर हो जाए या फिर उसकी क्वालिटी डाउन है। तो क्वालिटी डाउन है तो फिर कई तरह की एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है हमारी, है ना, और इसमें हमारी मुँह सूख सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, कई तरह के रैशेज आ सकते हैं, बुखार आ सकता है। तो ये जितने भी एलर्जी वाले रिएक्शन हैं वो सारे तो आ ही सकते हैं। पेशेंट को उल्टी का मन करेगा, पेट में दर्द होगा, बार बार गलत दवाई खा करके कभी किसी को दस्त लग जाते हैं, किसी को उल्टी आ जाती है, तो इस तरह से वो क्रोनिक सिम्टम बन जाते हैं धीरे धीरे करके। और अगर एक्सपायरी हो जाए तो फिर तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केस में, अगर गलत दवाई हो जाए, ज़्यादा ही रिएक्शन हो जाए तो अलग अलग ऑर्गन भी फेल हो सकते हैं, डेथ भी हो सकती है अगर गलत गलत दवाई खाते रहें। तो सर, हिमाचल प्रदेश सरकार को इसके ऊपर क्या करना चाहिए, क्या इनकी गुणवत्ता लाने के लिए? इसमें यही है कि जल्दी जल्दी मतलब प्रॉपर सैम्पलिंग करती रहे, जो भी मार्केट में दवाई आती हैं उनकी सैम्पलिंग होती रहे तो आप टाइम पे पकड़ सकते हैं। दूसरा है कि थोड़े कानून थोड़े से और सर तो फैक्ट्री के में भी जाके सैंपल किए जाएँ बार बार, क्योंकि सैम्पलिंग से ही पता लगेगा कि फेल सैंपल एक नहीं है। और खासकर डुप्लीकेट दवाइयाँ चलने लगी हैं, अच्छी कंपनियों में सेम ब्रांड नेम बना के इनको बेच देते हैं, तो उनपे भी तो ज़्यादा से भी कहीं से भी अपने मतलब शक हो तो जल्दी जल्दी कार्रवाई करके उनको सील किया जाए सैंपल को। तो पब्लिक के लिए, पेशेंट के लिए आपकी क्या एडवाइस या सुझाव है? एडवाइस तो यही है कि प्रॉपर चेक करें, जो ब्रांड होता है तो बिल्कुल सेम नाम तो होता नहीं, थोड़ा बहुत उसमें चेंज होता है, तो एग्जैक्ट नाम एक बार चेक कर लें कि अगर ब्रांडेड कंपनी से ले रहे हैं, अच्छी कंपनी से ले रहे हैं तो ब्रांडेड ले लें। दूसरी, अपने डॉक्टर को जो भी दवाई चेक करवाएँ कि गलत तो नहीं, ऐसे अपने आप जाकर के केमिस्ट से ना लें, क्योंकि वो कुछ भी अगर चेंज करें तो पेशेंट को ज़्यादा पता नहीं लगेगा। डॉक्टर को बता सकते हैं जो प्रॉपर जो एडवाइस करते हैं, उनको जाके दवाई जरूर चेक कराएं कि भाई दवाई ठीक है कि नहीं है। सर, अगर देखा जाए तो पेशेंट को जो मेडिकल स्टोर वाले हैं वो दवाई दे देते हैं, उनको पहचान नहीं होती है कि डुप्लीकेट है नहीं डुप्लीकेट है, तो इसके बारे में क्या कहना थी, क्या सरकार को क्या किस तरह की पॉलिसी? तो सरकार ने वैसे तो काफ़ी स्ट्रिक्टली बोला हुआ है कि पेशेंट्स को ही बोला हुआ है कि केमिस्टों से जाके डायरेक्ट दवाई ना लो, कोई देसी डॉक्टर से उनसे ना लो, प्रॉपर डॉक्टर को दिखाओ और डॉक्टर को चेक कराओ। तो लोगों को जागरूकता करनी पड़ेगी, जागरूकता के माध्यम से लोगों को पता लगेगा कि भाई गलत चीज़ ना खाएं, और किसी भी तरह का अगर रिएक्शन होता है तो फटाफट हॉस्पिटल जा कर के अपना साथ में सैंपल भी लेके जाएं कि ठीक है कि नहीं, और अगर पता लगता है कि सैंपल में कुछ गड़बड़ है तो फटाफट सरकार को सूचित किया जाएगा हॉस्पिटल के माध्यम से। यही किया जा सकता है कि जल्दी जल्दी सूचित किया जाए। हिमाचल में बार बार दवाइयों का सैंपल फेल होने से जो पेशेंट है उनके ऊपर क्या सकता है, क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं? जो जैसे सैंपल फेल हो रहे हैं दवाइयों से, आमतौर पर रैशेज और इचिंग वगैरह होती है जो बॉडी पे सबसे पहले दिखाई देती है,
उसके अलावा नॉजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, ये जो शॉर्ट टर्म में बंदा कर ले रहा है तो इसकी वजह से होता है। अगर लॉन्ग टर्म में इनका इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमारे ऑर्गन पे इफेक्ट पड़ता है, ऑर्गन फेलियर की तरफ जाते हैं, किडनी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, रिनल फेलियर की तरफ पेशेंट जाता है, उस वजह से फिर डेथ के कॉजेज बन सकते हैं। सर अगर देखा जाए तो पेशेंट जो होता है सीधा मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेता है, उनको पहचान होती नहीं है, क्या इनकी क्या पहचान है, किस तरह की पहचान होनी चाहिए दवाइयों की? मेडिकल स्टोर से थोड़ा सा उनको लेनी नहीं चाहिए, किसी को भी डॉक्टर को एक दिखा के, रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर को दिखा के ही कोई दवाई ले। मेडिकल स्टोर वाले ज़्यादातर स्टेरॉइड वगैरह देते हैं, उससे तो और किडनियों पर असर पड़ जाता है, तो एक बार अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत होती है तो अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जरूर दिखा लें, तभी कोई मेडिसिन लें। सर ये कारण क्या आप मानते हैं इसको कि बार बार इस दवाई को सैंपल फेल हो रहा, कि क्या गुणवत्ता में कोई जो मैन्युफैक्चर है वो कमी होती है उनकी दवाई में? ये तो जो फॉर्मुलेशन बनाते हैं, जो इंडस्ट्री है जो ये ड्रग बना रहे हैं, ये तो उन्हीं के उससे है, लेकिन ये जो दिक्कत आ रही है उसी की वजह से जो फेल हो रहे हैं, ये भी उसी के कारण है, जो फेल होने का कारण है, इसमें और कुछ नहीं है। जो फॉर्मुलेशन होती है जैसे ड्रग बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए और उनका जो कॉम्बिनेशन बनाना है, अगर वो उसमें ऊपर नीचे हो रही है या उनको ज़्यादा वो कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम के लिए रख रहे हैं किसी चीज़ को, प्रिजर्व कर रहे हैं, उसके बाद यूज़ कर रहे हैं, तो उस वजह से भी दिक्कत आती है। तो जो चीज़ एक फार्मूला है जिसका बना उसको वैसे ही बनाएंगे मेडिसिन को, तो वो तो पास होगी, उसमें कोई भी चीज़ ऊपर नीचे होगी या सस्ती चीज़ें जैसे सस्ती कोई चीज़ें इस्तेमाल कर ली, तो उस वजह से फिर दिक्कत आती है। रेट बचाने के लिए, पैसे बचाने के लिए वो कई बार कर देते हैं कि कोई स्टैंडर्ड की चीज़ की जगह कोई सस्ती चीज़ डाल दी, तो उस वजह से फेल हो जाते हैं फिर ये सब कुछ।